वासुदेव्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। कुछ ऐसी घटनाएं अपनी जिंदगी में घट जाती हैं जो व्यक्ति नहीं चाहता है। प्रतिदिन कुछ ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वह अपन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी में आ जाता है, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी बोलने में। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी अतत्व दृष्टि रहे, मुझे भी तत्व का ज्ञान हो, मुझे भी सत्य की प्राप्ति हो, मैं भी उस ऊंचाई तक पहुंचूं जहां तक महान आत्माएं पहुंच गए। लेकिन बार बार हम स्लिप हो जाते हैं, मन बनाते हैं वहां तक पहुंचने का, लेकिन जब पहुंचने की बारी आती है तो बीच में विघ्न खड़ा दिखाता है, क्योंकि हम एकदम जल्दी कुछ करने की उतावली कर बैठते हैं। हमारे यहाँ पहले कहा गया, जब व्यक्ति 24 साल तक पढ़ता है तब वो कुछ करने के योग्य होता है। देखो, आपके लोक व्यवहार के अंदर व्यक्ति को करने के अयोग्य कहा, 18 साल तक उसको नाबालिग कह देते, फिर बालिग होने के बाद पूरी पढ़ाई में व्यक्ति लगाता है 24 साल, एमए, एमएससी जो भी करता है, 16 क्लास पढ़ना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो करने के योग्य जाता है। 24 साल तक तो वो जानने ही जानने में लगा दिए, जिस विषय में वो जाना चाहता था 24 साल क्या कहलाता है। 24 साल जानने के बाद फिर वो करने के योग्य होता है। इधर अपन क्या चाहते हैं कि हम जन्मते ही कुछ करने लग जाए, बिना जाने हम कुछ करने लग जाए तो उससे गलती होती है। बिना जाने से करोगे तो नियम से आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, यदि हम नहीं जानेंगे तो हमसे क्रियाएं होगी लेकिन वो हमारे कर्मों का क्षय नहीं करेगी। इसलिए अपन समझ रहे हैं पहले अस्थि क्रिया को जाने। कल भी मैंने कहा था, जानो तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे समान सारी दुनिया है। तुम उस कोरोना के प्रति थोड़ी करुणा दिखाओ कि मैं ही जीना नहीं चाहता हूं, वो भी जीना चाहता है, हम ही मरने से नहीं बचना चाहते, वो भी मरने से बचना चाहता है। अब उनको पता चल जाए कोई मुझे मारने आ रहा है तो अपन छुपते फिरेंगे। कोरोना भी यही कह रहा है कि लोग मुझे मार रहे हैं, वो छुप रहा है, भाग रहा है, कहीं इस व्यक्ति के छुपता है, कहीं यहां छुपता है। उसको समझो, उसके प्रति करुणा दिखाओ, उसके प्रति दया दिखाओ। इतने करुणावान हो जाओ, इतने करुणावान हो जाओ कि वो भी तुम्हारे विपाक विषय का, धर्म ध्यान का कारण बन जाए। कैसा पाप किया उसने व्यक्ति कि हर व्यक्ति उसे मारने दौड़ रहा है। सोचो उसके प्रति, जिसने ऐसे ही नहीं कोई कोरोना जीव हो गया, हर व्यक्ति मारने फिर रहा है, और जिसकी शरण में वो जाता है उसे ही मार डाल दे, कितना पापी है वो। आखिर उसने क्या किया? विपाक विषय धर्म ध्यान जब भी हमारे शास्त्रों में आया, जब भी किसी जीव को देखकर हर व्यक्ति घृणा कर रहा है, हर व्यक्ति मारता है, सांप को देख के हर व्यक्ति मारने दौड़ता, आखिर क्या है, क्यों ऐसा? जनता इतनी निर्दयी तो नहीं है? जनता इतनी पापी तो नहीं है? लेकिन उसका पाप कर्म बोल रहा है, पूर्व भव में इस जीव ने, इन जीवों ने ऐसे पाप किए कि
इन्होंने जगत को मारने का भाव किया होगा, इन्होंने परिणाम किया होगा बहुत बड़ी तपस्या करके, बहुत बड़ा दान पुण्य धर्म करके। जब इनकी पूरी तपस्या, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, कोई भी पापी व्यक्ति जब अपने बीच में पापी आता है तो नियम से समझना ये पूर्व भव का बहुत बड़ा धर्मात्मा है, धर्म किया है इन्होंने, बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत बड़ी पूजा की, लेकिन अंत में उसने परिणाम क्या कर लिया कि यदि मैंने इतना धर्म किया है तो मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे मैं संसार को मार सकूं, संसार का विनाश कर सकूं। होता है ऐसा, रावण ने और हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या के बल पर यही मांगा, वैष्णव दर्शन में आया कि रावण ने जब तपस्या करने के बाद कहा तो उसने कहा कि मुझे कोई भी नहीं मार पाए, मानव का तो उसे डर था नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, कोई भी नहीं, मानव का उसने मांगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने मांग लिया कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सारी दुनिया को तो मारूं लेकिन कोई मुझे नहीं मारे। ऐसे परिणाम जीव कर लेते हैं, कोई पापी जीव नहीं, बहुत बड़ा धर्मात्मा जीव, बहुत अच्छा व्यक्ति। मांगे उसी की पूरी होती हैं जिसके पास कुछ दम हो, मांगे उसी की पूरी होती है जिसके पास कोई शक्ति हो, मांगे उसी की पूरी होती हैं जिसने कुछ पहले अच्छा किया हो। ये कैरोना का अतीत बहुत धर्मात्मा रहा है, इसने इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, इतना धर्म कमाया, लेकिन इसने अंत में ये मांग लिया कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूं कि जो भी मुझे छुए वो मर जाए। हाँ, ऐसे कई लोग होते, तो एक दिन हमने बताया था ना कि जो मेरे पास है वो पड़ोसी के दूना हो जाए, तो मेरी एक फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। मांगा होगा कि मैं इतना खतरनाक आदमी बनूं कि कोई मुझे छुए वो मर जाए, और पुण्य इसके खाते था, कर्म ने उसको बना दिया कैरोना। अब देखो कितना बड़ा पुण्य से उसने क्या पाया, आज सारा जगत उसे मारने के लिए दौड़ रहा है, मिलते ही मार रहा है, किसी व्यक्ति में पाया जाए उसको ही मार डालो। आखिर इतना पूरा विश्व मारने को फिर रहा है, पूरा विश्व, एक व्यक्ति नहीं, कौन व्यक्ति है जो ये नहीं कहेगा कैरोना को मार डालो, कैरोना को मार डालो। कोई बचाने वाला नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा यदि कैरोना सामने आ जाए, और वो इतना खतरनाक है कि यदि छूटते ही अभी सबको मार डालेगा। तो बताओ कौन व्यक्ति है जो कैरोना को मारने के समर्थन नहीं करेगा, कौन देश के हैं, कौन राजा है जो अपने देश के नागरिक को मारना पा रहा है। चीन ने लाखों लोगों को मार डाला, क्या वो चीन अपनी प्रजा से, अपने नागरिक से प्यार नहीं करता, करता है, लेकिन करें क्या, मारने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, नहीं तो सारी दुनिया मर जाएगी। नीति कहती है एक देश को बचाने के लिए एक नगर को भी मारना पड़ता है तो मार डालते हैं, एक नगर को बचाने के लिए परिवार उजाड़ना चाहे तो उजाड़ देते हैं, एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को मारना पड़ता है तो मार देते हैं, एक शरीर के अंग काट, पूरे जीवन को बचाने के लिए ये शरीर का अंग काटना पड़े तो काट देते हैं। ये स्थिति बन गई कि अब क्या करें, कौन मार दिया, डॉक्टर को मार दिया, परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों को मार दिया, बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति। अपने सामने बैठी हुई पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी, कोई उपाय ही नहीं था, बेटे ने बाप को गोली मार दी, परिवार में लोग गोली मार रहे हैं, क्या करें, नहीं मारते हैं तो पूरा परिवार मरेगा,
पूरा परिवार मरेगा। बैल दस्तखत कर रहे हैं, मेरी माँ को मार दो, मेरे पिता को मार दो, मेरे बेटे को मार दो, डॉक्टर लिखवा रहा है, तुम्हारे परिवार के व्यक्ति को कोरोना हो गया, मारने के अलावा कोई उपाय नहीं, दस्तखत करके दे रहा, मार दो, घर ही मत भेजना, नहीं तो सारा घर मर जाएगा। इसको हम हिंसा की कोटी में नहीं ले सकते, इसमें बचाव की परिणाम है। तो ऐसी स्थिति उसकी क्यों बन जाती है? नियम से उसने कोई ना कोई बड़ा काम किया है। ये डाकू बनते हैं, पूर्व भाव के बड़े साधु रहते हैं, ये गुंडे होते हैं, पूर्व भाव की बड़ी बैयावृत्ति करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ये निरोगी रहते हैं, पूर्व भाव में ये औषधि दान देते हैं, बहुत औषधि दान देते हैं, तभी तो आज भी निरोगी हुए, तभी तो वे जंगलों में पड़े रहते हैं तो भी उनको कोई बीमारी नहीं होती, बड़े निर्भय होकर तपस्याएं की हैं तभी तो जंगलों में डर नहीं लगता। लेकिन अंत में क्या मांग लिया? मैंने भैया वृत्ति और निरोगता से औषधि दान से जो कुछ किया है, मैं ऐसा गुंडा बनूं, मैं ऐसा डाकू बनूं, सारी दुनिया मेरे को देख के कांप जाए, सारी दुनिया थर थर कांपे। मिलेगी मजदूरी है, उसने तपस्या की है। दो प्रकार की तपस्याएं होती है, एक तपस्या व्यक्ति, एक कार्य व्यक्ति स्वयं का मान के करता है और एक मजदूरी मान के करता है। मजदूरी मान के जब करता है तो उसे हम बेदखल नहीं कर सकते। स्वयं का मान के करता है व्यक्ति तो पिता बेदखल कर सकता है, तुझे कुछ नहीं दूंगा। एक पिता बेटे से ये कह सकता है, मेरी संपत्ति है मैं तुझे नहीं दूंगा। लेकिन एक मालिक नौकर से नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा। बेटे से कह सकता है, मुझे कोई संपत्ति नहीं देना, मेरी संपत्ति है, मैंने कमाई है, बेटे को नहीं देना तो नहीं देना। क्या कर लिया किसी ने? रामचंद्र जी को निकाल दिया, नहीं देना, जाओ वनवास में। कितने माता पिता अपनी संपत्ति को बेटों को बेदखल कर देते, हमें नहीं देना। विदेश में अभी एक व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति कुत्ते के नाम कर दी, बेटे को नहीं दी, नहीं दी, उसकी संपत्ति है। लेकिन कोई ने आज तक किसी ने किसी नौकर को बेदखल नहीं किया कि तुमने मजदूरी तो कर ली और तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा जो सच्चे धर्मात्मा हैं उनको कहो बेदखल कर दिया जाए, थोड़ी सी बात को लेकर के मोक्ष से वंचित कर दिया जाए, नहीं मिलेगा मोक्ष। लेकिन कोई पापी पाप के लिए धर्म करता है तो मजदूरी मान के करता है, वो मजदूर है, उसे यदि तुम्हारे यहां मजदूरी कर ली तो तुम्हें मजदूरी देना ही पड़ेगी। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में यदि किसी ने माला फेरी है, किसी ने तप किया है, किसी ने दान दिया है तो उसे उसका फल देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। पूज्यवर रविशयन महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा कि जब देवता रावण के पक्ष में लक्ष्मण को समझाने गए रामचंद्र जी को कि रावण ध्यान में बैठा था, उस समय रामचंद्र जी के कुछ सैनिक उसको जाके परेशान कर रहे थे, तो देवता रामचंद्र जी के पास आए कि हमने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय हमारा स्वामी ध्यान में बैठा है, तपस्या में लीन है, उस समय आप उसको परेशान कर रहे। तो लक्ष्मण बोले, भाई हे देवताओं, आज तुम्हारे स्वामी को मैं परेशान कर रहा हूँ तो आपको नीति वो ध्यान में आ रही है, तुम्हारे स्वामी ने मेरी भाभी को उठा के ले गए, उस समय तुम्हारी नीति कहाँ गई थी, तुम क्यों ऐसे पापी का साथ दे रहे हो, पक्ष ले रहे हो, पापी का साथ दे रहे हो, तुम देवता होकर पापी का पक्ष ले रहे हो। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहा, हे लक्ष्मण, हम लोग देवता हैं,
संसार में सबसे ज्यादा मजबूर और कमजोर जाति है तो देवता की जाति है। सबसे ज्यादा कमजोर जाति है, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ देवताओं का पराधीन है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। यहां तक कि बहुत गजब बात है, उनकी लेसिया भी उनके हाथ में नहीं, उनके परिणाम भी उनके हाथ में नहीं। क्या बात है, देव पर्याय की निंदा क्यों की जाती है? देव पर्याय के अंदर उसके परिणाम उसके हाथ नहीं। स्वधर्मेंद्र चाहे कि मैं अधिक विशुद्ध परिणाम कर दे, नहीं, तेजो लेसिया से ऊपर नहीं जा सकता, फिक्स कर दिया 4 मीटर। कितना भी कोई ध्यान करे, कितना ही पैसा, उसका फिक्स कर दिया तेजो लेसिया। अरे भाई, शरीर की लेसिया नहीं बदली जाए, द्रव्य लेसिया नहीं बदली जाए, परिणामों को तो बदल सकते हैं, परिणाम तो अपने हाथ में रहना चाहिए। देव पर्याय में उपादान इतना पंगु हो जाता है, उपादान इतना पराधीन हो जाता है, कोई देव अपने परिणामों को बढ़ा नहीं सकता, एक अंश भी नहीं, फिक्स है। पद्म लेसिया है तो पद्म लेसिया है, तेजो लेसिया है तो तेजो लेसिया है, ये बात अलग है, घटा भी नहीं सकता। कोई देवता अपने निकृष्ट परिणाम नहीं कर सकता, इसलिए देवता नरक नहीं जाता। कोई लेता अपने उत्कृष्ट परिणाम नहीं कर सकता, इसलिए मर करके देव नहीं बनता, मोक्ष नहीं जाता। इतनी पराधीनता हम लोगों को है, और हम लोगों के लिए कोई व्यक्ति यदि सिद्ध करता है तो हमें सिद्ध होना पड़ेगा। हम जान रहे हैं कि यह मिथ्या दृष्टि है, लेकिन यदि उसने इतनी तपस्या की है तो हमें उसके कार्य करना ही पड़ेगा, उसको स्वामी मानना ही पड़ेगा। इसका समर्थन पूज्यपाद स्वामी ने श्री धवला जी में लिखा, 1200 विद्याएं जान गई कि ये मुनि भ्रष्ट है। बहुत गजब की बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। 1200 विद्याएं जब मुनि के पास आई तो उनके जब उसकी सारी परीक्षा की तो भ्रष्ट मुनि निकला, और जैसे भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होने के बाद भी 1200 विद्याएं उसको स्वामी मान लेती हैं, वो जो कहता है वो करते हैं, वो पाप कहता है पाप करते हैं, वो कहता है फलाने की स्त्री उठा लाओ तो उठा लाती, वो कहता है फलाने का धन लूट लूट, सारे बुरे कार्य करते हैं वो, क्योंकि भ्रष्ट मुनि कभी अच्छे कार्य तो करवाएगा नहीं, अच्छे कार्य करने का उसका परिणाम ही नहीं होगा, वो तो बुरे कार्य ही कराता है, और सारे बुरे कार्य भ्रष्ट कार्य वो देवता करते हैं जो अवज्ञानी है। कुछ देवता उनमें सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि देवता नहीं, मैं सम्यक दृष्टि देवताओं की बात कर रहा हूं। लोग ये कह के टाल देते वो मिथ्या दृष्टि देवता है, नहीं, जो मुनि के 9 पूर्व पूर्व होने पर 10वें पूर्व में प्रसिद्ध कर प्रवेश करते हैं भी अच्छे देवता आते हैं, सम्यक दृष्टि देवता हैं, तत्वज्ञानी हैं, शुद्ध ज्ञान से प्रभावित हुए हैं, सच्चे और खोटे मुनि का भेद करते हैं वो, लेकिन वे सम्यक दृष्टि 1200 देवता उस भ्रष्ट मुनि की आज्ञा में चलकर पाप कार्यों में सहयोग करते हैं, सारे पाप कार्य कर, जो कराना चाहे वो, और वो कराते ही उल्टे सीधे कार्य। शास्त्रों में देखो वो भ्रष्ट मुनि ने क्या क्या कार्य कराए सम्यक दृष्टि देवता से। मैंने चिंतन किया, मैंने कहा ये सम्यक दृष्टि देवता मना क्यों नहीं करता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। इसका जवाब मुझे पद्म पुराण में मिला। ये चर्चा बहुत पहले जब वाचना हुई थी, सन 1983-84 की घटना है, बहुत प्रश्न किए गए, बहुत चर्चा आया कि आखिर ये मना क्यों नहीं करते देवता, जो पापी है पापी जीव को क्यों सिद्ध होते हैं, अंजन चोर को क्यों सिद्ध हुए सब लोग, पहले भी उसको एक सिद्धि थी निरंजन बन के गुटका सिद्धि थी, ये पापियों को होते ही क्यों हैं? देवता तो अवधज्ञानी है, शक्तिशाली है, ये तो अच्छे महाराजों को सिद्ध हो, अच्छे लोगों को सिद्ध हो, उसको पापी को क्यों सिद्ध हो रहा है, सारे पाप क्यों कर रहे हैं? और वर्षों तक ये बात चलती रही। कोटा में जब पद्म पुराण के ऊपर गोष्ठी चल रही थी
उस समय पद्म पुराण पर दृष्टि गई कि जो देवताओं ने रामचंद्र जी को उपदेश दिया कि नहीं, हम सम्यक दृष्टि हैं रामचंद्र जी, हम आपके गुणानुरागी हैं, हम जनेन्द्र देव की भक्ति करते हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि रावण गलत है, लेकिन हमारी देव पर्याय ऐसी है हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसमें ऐसा है तो ऐसा है, कलेक्टर है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, कलेक्टर बन गया कोई जैन आदमी, बैंक मैनेजर बन गया कोई, उसे पोल्ट्री फार्म के लिए लोन मंजूर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता वो कोर्ट में चला जाएगा, तुम्हारी मैनेजरगिरी पे खतरा पड़ जाएगा, कानून उसके पक्ष में, कई मैनेजर बैंक के आगे कहते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं कहीं गलती निकाल दूंगा, कुछ कर दूंगा, लेकिन मना नहीं कर सकता कि मैं जैन हूं, मैं पोल्ट्री फार्म के लिए लोन मंजूर नहीं करूंगा, ये निषेध नहीं कर सकता। हाँ, निषेध करता है तो अपराधी है, नौकरी से जाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, मैनेजर है बैंक का, मैनेजर है, और हर लोन पर बैंक के मैनेजर के हस्ताक्षर होंगे, पोल्ट्री फार्म पर हुए, अंडे की मुर्गे के पे हुए, कलेक्टर बन गया, देश में कोई विदेशी आया, मांसाहार हुआ, बिल पास करना पड़ेगा, बिल पास करना पड़ेगा मांसाहार का, स्वयं नहीं बनाएगा लेकिन बिल तो पास करेगा कि इतना मांस, इतने मुर्गे, इतनी मछलियां फलाने मेहमान के लिए बुलाई गई। मैंने पूछा सबसे, बोले महाराज जो करना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, या तो नौकरी छोड़ दो, यदि हम मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री में मत्स्य उद्योग चलेगा, उद्योग है, बहुत बड़ा व्यापार है। मैंने कृषि मंत्री थे प्रभुलाल सोनी सैनी आवा के, उनसे पूछा कृषि मंत्री में मत्स्य उद्योग आता है, बोले आता है। मैंने तुम क्या करते हो, तुम तो माली हो, शुद्ध शाकाहारी हो। बोले महाराज पूछो ही नहीं तो बात ठीक है, या तो राजनीति छोड़ दूं या मंत्री पद छोड़ दूं, और कोई उपाय नहीं। तब से मैंने कुछ, जब से पद्म पुराण की बात पढ़ी तब से मेरे दिमाग की बहुत बड़ी, पहले मैं भी जिद करता था, काय का कलेक्टर है, काय का मंत्री है, काय का ये है, ये पाप करता है, लेकिन जब पद्म पुराण की बात पड़ी तो सम्यक दृष्टि देवता अवध ज्ञानी कहते हैं, रामचंद्र जी हम आपके भक्त हैं, लक्ष्मण हमें आप गलत मत समझो, मैं पापी नहीं हूँ, मैं अवध ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं जिनेन्द्र का भक्त हूँ, लेकिन जिस देव पर्याय में मैं हूं उस पद का नियम है, जो व्यक्ति इस तरीके से सिद्ध करेगा हमें उसको स्वामी मानना पड़ेगा, और वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। रोती हैं विद्याएं, अंतो अंतर झज्जामी करती कि मैं कहां का देव बन गया, ये पापी ने मुझे सिद्ध कर लिया, अब ये पाप कराएगा, ये डांका डलाएगा, ये मरवाएगा, घरों को लुटाएगा, सब करा सकता है। तो ऐसी स्थिति को जब अपन देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, उसे जानते हुए भी सब करना पड़ता है, उसके लिए कहा गया, इसलिए तुम पहले हर चीज को जानो, इसका क्या हासिल होगा, तुमने मारने का भाव तो कर लिया, लेकिन अब तुम मारने का जो भाव किया है, कर्म तुम्हें वरदान देगा। यदि तुमने भाव कर लिया कि मैं ऐसी तख्ती आ जाए कोई मुझे छुए और मर जाए, आपने धर्म के बदले माना है, वो शक्ति आप में आ जाएगी, पक्का है। अब कर्म कहेगा कि इसके वरदान को हम कैसे पूरा करें, तो वो कर्म पूरी 84 लाख योनियों में खोजेगा कि ऐसा कौन सी पर्याय है जिसमें इसने वरदान क्या मांगा है, जिस पे हाथ रख दे वो मर जाए, जिसको छुए वो मर जाए। अब खोजते खोजते उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी पर्याय है, कौन से हैं, उन्होंने कहा एक कैरोना नाम की पर्याय है, इसको कैरोना बना दो
जो छुएगा वो मरेगा। और हर व्यक्ति अब देख, अब कर्म ने ऐसा क्यों दिया इसको अभिशाप, कर्म भी जानता है, सारी सृष्टि जानती है, प्रकृति जानती है कि इसको ऐसा जहर क्यों दे दिया। प्रकृति कहती है महाराज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं प्रकृति हूँ, जो व्यक्ति जितना पुण्य कर लेगा वो मांगेगा, मुझे उसको देना ही पड़ेगा। अब वो देने के बाद फिर इसको क्या होगा, बोले मेरा कार्य पूरा हो गया, इसने मांगा था तपस्या के बल पर। ये कैरोना बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति में उदय में आया है, परघात प्रकृति। आज संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय है कैरोना का, बहुत बड़ी शक्ति लेके आया है परघात प्रकृति। यानी इस समय वर्तमान में परघात प्रकृति का सबसे बड़ा पुण्य किसी के पास है तो कैरोना के पास। परघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति का कैसे परिणामों से बांधा हो, इतनी ताकत कि सारे विश्व को घात करने की ताकत लगा दिया, सारे विश्व को कंपायमान कर दिया, सारा विश्व थर थर कांप गया। आज सोचते हैं जब झगड़े टंटे हो जाते थे, गुंडे तत्व आते थे, अराजक तत्व होते थे, तब 144 धारा लगाई जाती थी। आज कैरोना इतना बड़ा गुंडा है कि 144 धारा लगाना पड़ी थी राजस्थान में, एमपी में, सब में होता हो। अपन क्या सुनते थे, 144 धारा कब लगती है, कोई दंगा फंगा हो गया होगा, अराजकता, दंगा फंगा, मारपीट। ओ कैरोना जैसा गुंडा, कैरोना जैसे ताकतवान व्यक्ति कौन है दुनिया में जो आज राजस्थान में, और विदेश में तो बताते कर्फ्यू लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया विदेश में, बाहर निकलते ही शूट कर दो, बाहर निकलते ही कोई बिना कारण के बाहर निकल जाए 25,000 रुपये का जुर्माना है। मैं यही चिंतन कर रहा हूँ, आज सुबह जैसे ही पता चला 144 शांति धारा लगा दी, और मैंने कहा इसकी परघात प्रकृति जबरदस्त है, बिना पुण्य आत्मा जीव को नहीं लगती 144 धारा। बहुत पुण्य लेकर, इतना पुण्य लेकर आया है, रावण का पुण्य भी कोई काम का नहीं सब। रावण का सबसे ज्यादा परघात प्रकृति का उदय था, परघात प्रकृति, वो किसी को भी मच्छर जैसा मसल देता था। जितने डाकू गुंडे होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये आतंकवादी का परघात प्रकृति बहुत जबरदस्त होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि वे अकेले होकर के पूरे नगर को उड़ा देते हैं, प्लेन को उड़ा देते हैं। आतंकवादी का सबसे बड़ा पुण्य, ये जितने आतंकवादी डाकू हैं पूर्व भव में, इन्होंने बहुत धर्म किया, बहुत पुण्य किया। मैं तो समझता हूँ कि पूर्व भव के सब साधु बने होंगे, बड़ी तपस्या की होगी, मास उपवास किए होंगे, बड़ी बड़ी प्रतिमा योग धारण किए होंगे, और अंत में मरते समय माना होगा कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं सारी दुनिया को मिटा दूं। परघात प्रकृति, रावण से भी ज्यादा मैंने सब छोड़ दिया, कि ऐसा कौन दुनिया में हुआ जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती हो और 144 धारा लगा रही हो। सब व्यक्ति ने खाना पीना सब छोड़ दिया, जाना आना सब, यात्राएं बंद। ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ संसार में, आप लोग याद लग रहा हो, जिसके आने से सारे मुल्क को अरबों खरबों का नुकसान हो चुका हो, अरबों कोई गिनती नहीं, अर्थव्यवस्था ठप, सब व्यवस्थाएं ठप, साधुओं की बिहार व्यवस्था भी ठप, साधु लोगों को भी कंपायमान कर दिया। ऐसी ताकत कोई मंद पाप कर्म के उदय में नहीं आती है, पुण्य कर्म का उदय है कैरोना का, जबरदस्त पुण्य कर्म उदय, परघात प्रकृति का उदय आया। ऐसी परघात प्रकृति का उदय, तो ऐसी परघात प्रकृति एक व्यक्ति को जरूर होती है, तीर्थंकर को। तीर्थंकर की परघात प्रकृति इतनी जबरदस्त होती है कि पूरे तीन लोक को डमरू के समान उठा दें तो पूरे तीन लोक के सारे जीवों को विनाश कर सकते हैं। लेकिन उनके पास एक सम्यक दर्शन, उनके पास तीर्थंकर प्रकृति होने से वो कभी इसका प्रयोग
नहीं कर से। गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा संभावना सत्य। संभावना सत्य में यही उदाहरण दिया, सौधर्मन जम्बूद्वीप को उठा के फेंक सकता है, उसकी प्रघात प्रकृति है इतनी जबरदस्त, लेकिन वो फेंकेगा नहीं क्योंकि सम्यक दृष्टि है। लेकिन ये तो पापी के हाथ में आ गई शक्ति ना, इसने तो निदान पूर्वक की, सौधर्मन को तो शक्ति मिली थी और इसने शक्ति मांगी है। मांगे से जो शक्ति ली जाती है वह व्यक्ति नियम से उसका दुरुपयोग कर सकता है 99%, और जो अपने आप शक्ति प्रकट होती है उसका उपयोग करने का भाव नहीं आता। तीर्थंकर को यह शक्ति अपने आप प्रकट हुई, अपने आप प्रकट हुई। सौधर्मेंद्र ने मांगी नहीं थी, अपने आप शक्ति मिली। लेकिन पापी तो शक्ति मांगता है, वरदान मांगता है। रावण ने मांगा था मुझे शक्ति दो, हरणाकश्यप ने मांगा था मुझे शक्ति दो। जब जब कोई तुमसे कोई शक्ति मांगने लग जाए समझ लेना उसके मन में कोई पाप आ गया है। थोड़ा सावधानी से पूछना, जब कोई तुमसे वरदान मांगे और तुम देने को तैयार हो, यदि वो कहे कि नहीं अभी कोई बात नहीं समय आने पे लूँगा, सावधान। जिन जिन ने वरदान स्वयं तुरंत नहीं लिया, पहली बात तो सम्यक दृष्टि, कौन है अपना मित्र जिसको तुम वरदान देना चाहते हो, किमिक्षिक वरदान देना चाहते हो, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। वो कहता नहीं, मैंने वरदान के लिए सेवा नहीं की। जैसे हनुमान, रामचंद्र जी हनुमान को वरदान देना चाहते, तुम वरदान लो मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा। पर हनुमान कहते हैं नहीं, मैं वरदान मांगूंगा नहीं, मुझे वरदान चाहिए नहीं। जो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहे, समझ लेना यही तुम्हारा मीत है, यही सज्जन है, यही धर्मात्मा है। आप अपने बच्चे को भी अपनाना, छोटे बच्चे के लिए मनोविज्ञान कहता है तुम उससे पैर दबवाना पहले, फिर यदि कह दे कहना बेटा बोल तूने पैर दबाए हैं क्या चाहिए, वो तुरंत मांग ले बे, समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी में खतरनाक बनेगा। और यदि वो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समझ लेना ये धर्मात्मा बनेगा, सब कुछ करेगा लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहेगा। और कुछ बच्चे तो पहले ही से होते हैं, तुमने कहा पैर दबाओ तो कहते पहले बताओ क्या मिलेगा, समझ लेना ये बच्चा तुम्हें बेच देगा। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं तो बच्चे की, जब तुमसे कहा बेटा पैर दबा दे, बोले बाद में दबाऊंगा पहले बताओ क्या मिलेगा, यदि ये भाव उसके अंदर आ गया समझ लेना ये तुम्हें बेच देगा और तुम्हें बुढ़ापे में दुखी छोड़ करके भागेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा। क्योंकि वो सेवा के बदले पहले ही मांग रहा है कि पहले मुझे बताओ क्या मिलेगा। ऐसे ही धर्म में होता है, धर्म करते समय व्यक्ति पहले ही कहता है मुझे यह चाहिए है तब मैं धर्म करूंगा, और कोई देने आता है तो ले लेता है, मांग लेता है। लेकिन सम्यक दृष्टि से कितना भी कुछ कहो मांग लो क्या मांगना है, वो नहीं मांगे, बोले मैंने कुछ पाने के लिए नहीं किया है, मुझे तो आप जैसा बनने के लिए मैंने किया है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे भगवान से नहीं चाहिए मुझे भगवान चाहिए, मुझे गुरु से नहीं चाहिए गुरु चाहिए, मुझे धर्म से नहीं चाहिए धर्म चाहिए, मुझे माता पिता से नहीं चाहिए माँ बाप चाहिए। बस ये परिणाम किसी एक आदमी आ जाए तो बहुत दुर्लभ है। ये लक्षण हनुमान में था, उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए रामचंद्र जी, मुझे आप चाहिए, आपके चरण कमल चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। आज जगत में हनुमान का नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति मांगने लग जाए, मांगी हुई वस्तु को समझदार सावधान, हमेशा खतरा है उसने कोई पाप सोच लिया है, उसने कोई बुरा सोच लिया है। रावण ने जब ये मांगा तब सारा ब्रह्मांड शक्ति में आ गया,
तपस्या तो इसने कर ली है, वरदान तो देना पड़ेगा, लेकिन ये तो मांगने को तैयार हो गया, अब ये दुनिया का विनाश करेगा। भस्मासुर कंस के सब के लिए, आपके अंदर भी। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जब जब तुम्हें बड़ों से कुछ मांगने का भाव आ जावे, महानुभाव समझ लेना आप बहुत बड़े विध्वंसक बनने वाले हैं, आप बहुत बड़े राक्षस बनने वाले हैं, आपका भविष्य बहुत पापमय है, क्योंकि आपको बड़ों से कुछ मांगने का भाव आ गया। बड़ों से मांगने का भाव नहीं करना, बड़े देवे तो भी मना करना, फिर देखो तुम्हारी सिद्धियां, फिर देखो तुम्हारे चमत्कार। देवे भी कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, तुम तो एक ही बात कहना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। यदि ये परिणाम तुम्हारा बना गया तो बड़ों की पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम होगी, अपने आप होगी, उससे कई गुनी आगे होगी। 1200 विद्याएं जिसने छोड़ दी, वो कह रहे मुझे स्वीकार करो, जो सम्यक दृष्टि मुनिराज थे वो कहते मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आए हूं। महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये अध्ययन इन देवताओं को सिद्ध करने में नहीं किया था, मैंने ये साधना देवताओं को दास बनाने के लिए नहीं किया था, कुछ नहीं बोले। वे 1200 विद्याएं उनकी पूजा करती है कि मैंने ऐसा साधु नहीं देखा। वे विद्याएं कहती हैं, हे साधु कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो, मुझे सिद्ध करने के लिए लोग जीवन लगा देते हैं, मुझे सिद्ध करने के लिए लोग मर जाते हैं, मुझे सिद्ध करने के लिए एक देवता को सिद्ध करने के लिए लोग कितनी साधना करते हैं, और मैं तुम्हारे बिना साधना किए तुम्हारे सामने खड़े हूं। 1200 विद्याएं खड़ी लाइन लगाकर, बहुत प्रलोभन, अपनी महिमा बताती है वो, मुझे सामने क्या क्या कौन कौन लोग चाहते हैं, और तुम मुझे ठुकरा रहे हो, तुम मुझे बोलने को तैयार नहीं हो, आदेश नहीं देते हो। राज कहते नहीं, मैंने संसार के वैभव को पाने के लिए साधना नहीं की, जितना जितना धर्मात्मा होता जाता है संसार उसके चरणों में आता जाता है, लेकिन वो उनकी तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं है। तब वे देव 1200 विद्याएं कहती हैं, ऐसा मैंने मुनि नहीं देखा, ऐसा संत नहीं देखा, जो हम जैसी विद्याओं को पाकर के भी लोभ नहीं जाग रहा है, फिर जो वो पूजा करती हैं, जो पूजा करती है वो सारे स्वर्गों में देवताओं में चर्चा बन जाती है। और पूजा करके पुष्पदंत भूत बलि को मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध हो गया मूर्धन्य भूत बलि को, अभी पंचम काल में दो विद्याएं सिद्ध हो गईं, दोनों विद्याएं आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। आगे पीछे की घटना नहीं सुना रहा हूं। खड़ी होने के बाद हमें किस लिए याद किया, काम बताओ। उस दंत भूत बलि कहते हैं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु ने कहा था ये मंत्र फेरो, मैंने फेर लिया, तो मुझे कुछ तो बताओ, मैं जब सिद्ध हो गई हूं कुछ बताओ, तुम्हारे गुरु को ठीक ठाक करूं। उस दंत भूत बलि उठ के चले गए, उनकी तरफ जवाब भी नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। वो विद्याएं गिड़गिड़ाती रही कि महाराज मैं सिद्ध हो गई हूं, आपको 3 दिन के अंदर मुझे आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, मुझे उपयोग कीजिए, क्या करना चाहते हो। पुष्पदंत भूत बलि कहते कहां की आफत आ गई, मैंने विद्या सिद्ध की, गुरु की आज्ञा, दौड़े गुरु के पास, विद्याएं पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और जब गुरु ने देखा दोनों शिष्य विद्याओं के साथ आ रहे हैं, और विद्याएं कहती हैं कि कैसे आपके शिष्य हैं, आपके शिष्यों ने मुझे बुलाया, आपके शिष्यों ने मुझे जब जाप किया, और अब मैं इनसे कोई काम पूछ रही हूँ कि मुझे याद क्यों किया, तो ये भाग रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं बता रहे हैं। दर्शन स्वामी उन विद्याओं से कहते हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने इनको आदेश दिया था, इन्होंने मेरा आदेश पालन किया। दर्शन स्वामी ने परीक्षा की कि विद्याएं सिद्ध हुई हैं, इनको तुम स्वीकार करना चाहोगे। बोले गुरुराज, ये विद्याओं को सिद्ध करने के लिए मैं नहीं आया हूँ,
मैं तो आपको सिद्ध करने आया हूं आपकी आज्ञा। तब भी दोनों देवता उन दोनों मुनिराजों से इतने प्रसन्न हुए कि एक ने महाराज का नाम भूत बलि रखा और एक ने महाराज के दांत टेढ़े मेढ़े थे वो ठीक करके पुष्यदंत कर दिया। ये होता है क्योंकि ये नीति है कि देने पर भी मत लेना किनसे। कल एक प्रश्न आया था ना शाम को जिज्ञासा में, महाराज से हम क्या ले सकते हैं। पहली बात तो साधना यही करो कि हे भगवान जिंदगी में मुझे भगवान और महाराज से कुछ ना लेना पड़े, कुछ भी नहीं लेना। प्रश्न आया था कि महाराज से हम डायरी पेन ले सकते हैं, महाराज देते हैं। मैंने कि भूल के मत लेना, एक एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भीख मांग लेना, लेकिन कभी महाराज के हाथ से कोई वस्तु मत लेना, महाराज के हाथ से मत लेना। पेन कॉपी डायरी आजकल ही बहुत धंधा चल रहा है। कल बहुत जबरदस्त प्रश्न था, समाधान भी किया था। आज साधु लोग भक्तों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, समझ लेना भी नकली साधु हैं, कुछ देकर तुम्हें पटाना चाहते। जैसे वो ग्राहक होता है ना तुम्हारे व्यापार में, क्या करता है वो कहता है एक माल के साथ एक फ्री। ये लोगे तो ये फ्री, समझ लेना माल में कोई खोट है, कंसेशन देता है, ये फ्री समझ लेना, कोई ना कोई गड़बड़ है। चोखे माल के साथ कोई चीज फ्री नहीं मिलती, खोटे माल के साथ फ्री मिलती है। जो साधु तुम्हें कुछ दे करके प्रभावित करना चाहता है, समझ लेना वो खोटा साधु है। उसके चारित्र में दम नहीं है, उसकी चर्या में दम नहीं है, उसकी साधना में दम नहीं है, उसकी वीतरागता में दम नहीं है। वो तुम्हें कुछ दे लेकर के अपने से प्रभावित करना चाहता है, चाहे वो गंडा ताबीज हो, चाहे तिलक हो, चाहे मौली बंद हो, कुछ भी साधु तुम्हें देने का भाव करता है। वस्तु कह रहा हूँ, प्रवचन नहीं, आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ, वस्तु। क्योंकि और वह वस्तु जो साधु की स्वयं की नहीं है, कितना बड़ा दोष है। जो वस्तु तुम्हें साधु दे रहा है, मैं ये डायरी तुम्हें दूँ, ये डायरी मेरी कमाई से लाई है कि किसी भक्त ने मुझे दी है। दान का दान नहीं होता, दूसरे भक्त की दवाई है, तुम दूसरे का दान। स्वस्याति सर्गो दानम, दान भी किसे कहते हैं, जो अपना खुद का हो उसका दान दिया जाता है। ये पेन काफी ये गंडा ताबीज किसके हैं, तुम कमा रहे हो क्या। साधु स्वयं कमा रहा है क्या, नौकरी करके, कोई मजदूरी करके। जब स्वयं की कमाई करके दूसरे को दो तो दान में है, नहीं तो ये निर्माल का बाप है। ये ग्रस्त कभी निर्माल ले लेता है, निर्माल खा लेता है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक व्यक्ति, कोई साधु, कोई कमेटी मंदिर की वस्तु को दान देता है। हम जब बागड़ में गए तो वहाँ की बड़ी परंपरा विचित्र थी। वहाँ नियम था, बाहर का कोई भी दान लेने आएगा तो समाज कोई दान नहीं देती थी, मंदिर से 1100 रुपया दे देते थे मंदिर से। और मैंने कहा ये तो महान पाप है, मंदिर की निर्माल खाना और मंदिर का माल दूसरे को देना, देने वाला ज्यादा पापी है। देने वाला मंदिर का दान दिया, तुमने दान का दान दिया। मंदिर में किसी ने दान डाला था, उस मंदिर के लिए डाला था, और कमेटी ने उठा करके उसे दान दे दिया। कानून बना, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को दान नहीं दे सकता। आगम कहता है कमेटी एक मंदिर के दान को दान नहीं दे सकती। कई पहले पंचलोक करते थे, बोले आते थे और वो मंदिर से दिलवाते थे, समाज के नाम से बोलाएंगे कि समाज की तरफ से इतने लाख रुपया। राजस्थान में मेरे सामने 50 बार बोले समाज की तरफ से। तो फिर मैंने पता किया कि समाज की तरफ से बोला हुआ दान, क्या ये समाज चंदा इकट्ठा करती है, नहीं, पंच मंदिर की तरफ से दे दिया जाता है। समाज का मंदिर है, मंदिर का गुल्लक है। मैंने जब इस बात को सारे लोगों को ललकारा फटकारा, मैंने कि क्या पाप कर रहे हो, दान मत दो, लेकिन दान का दान मत दो। साधु के हाथ से लेने वाला उतना पापी नहीं है,
लेकिन साधु सबसे बड़ा पापी है जो दान का दान करता है, अपने हाथ से दान देता है, दान देता है, कभी भूल करके नहीं लेना। जिंदगी में नियम करो। मेरे प्रवचन में हमने एक बार कहा था कि हे भगवान, मुझे भीख मांगना पड़े तो मांग लूंगा, लेकिन कभी मुझे बड़ों की संपत्ति पर जीवन न चलाना पड़े। मेरा सिद्धांत तो कितना बड़ा था, सच्चा बेटा कौन, कि हे भगवान ऐसा वरदान दो कि मुझे बाप की संपत्ति पर जिंदगी न गुजारना पड़े, बाप की संपत्ति पर मेरी नीयत खराब ना हो, मैं खुद अपने पैर पर खड़ा हो सकूं। बाप की संपत्ति पूज्य की संपत्ति है, और पूज्य की संपत्ति का मैं उपभोग करूं, नहीं, वो पूज्य है, उन्होंने मेरे लिए इतना पाप किया, नहीं, मैं बड़ों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे सबसे श्रेष्ठ बालक वो है। बरांग चरित्र में बरांग के मन में यही भाव आया, उसके पिता सब कुछ देना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी संपत्ति नहीं लूंगा, मैं अपनी बहुत ठोकरें खाई, बहुत संकट उठाए मात इसलिए कि मुझे पूज्य पुरुषों की संपत्ति न लेना पड़े। जब पिता की संपत्ति को मना कर रहा हूं तो कभी भगवान की और गुरु के हाथ से तो कुछ लेना ही मत। सदा एक ही बात करना, हे भगवान, मैं सदा तेरे लिए देता रहूं, मुझे कभी तेरे से लेने का भाव ना आए। क्या करना, सदा तेरे को देता रहूं, लेने का भाव नहीं आए। ऐसे ही गुरु के पास, हे गुरु महाराज, सदा मैं आपको देता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, लेकिन आपसे कभी लेने का भाव मेरा नहीं आवे। तो ये ध्यान रखना, कल की बात शाम की याद आ गई तो स्मरण ले लिया, कभी भी साधु महाराजों से मेरा कहना है, अपने भक्त का विनाश मत करो, क्योंकि तुम उसको हाथ से दोगे, उसका नाश होगा, उसकी दृढ़ता आ जाएगी, उसका सब कुछ मिट जाएगा। क्यों गुरु होकर के अपने भक्त के नाश करने पर तुले हो, क्यों गुरु होकर के, नहीं करना कभी। और आपसे मेरा कहना है, महाराज के हाथ से कोई चीज लेना, और वो भी गुरु मान करके लेना, आप क्या मानते हो अपने गुरु को, चलो मैं लेने के लिए छूट देता हूं। तुम अपने गुरु से ले रहे हो तो ये गुरु कौन है तुम्हारे, ब्याई जी, ब्याई जी से ले सकते हो, दोस्त यार ले सकते हो, और कोई संबंध तुम्हारा है तो वो संबंध मान करके ले सकते हो तो ले लो, लेकिन तुम गुरु मान करके मत लेना कि ये मेरा गुरु है इसलिए मैं ले रहा हूं। हाँ, आपका दोस्त हो तो ले लेना, महाराज जी मेरे महाराज नहीं, मेरे तो दोस्त हैं, महाराज जी मेरे महाराज नहीं, मेरे तो कोई रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों से रिश्तेदारों में ले लेना, कोई बात नहीं। भगवान और गुरु को मान करके उनके हाथ से नहीं लेना। और ये डायरी, पेन, पेंसिल, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जब हम लोग बिहार करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी ये चीज़ मैं ले जाऊँ, मैंने कहा उठा लो, उठा लेना, महाराज की कोई चीज़ पसंद आए तो उठा के ले जाना, लेकिन महाराज के हाथ से मत लेना, वो चोरी का दोष इतना खतरनाक, चोरी से भी उठा लेना, कोई बात नहीं, जो पसंद आए उठाओ टेबल पे से, जो पसंद आए ले जाओ, लेकिन साधु के हाथ से मत लेना। साधु देवे नहीं, उठाने में इतना दोष नहीं है जितना देने में लगता है। इसलिए जब देवता भगवान कुछ देने की बात सोचे तो तुम लेना मत, और कोई सोचे और ये कह देवे समय आने पर लूंगा, कोई मांगने के लिए बैठ जाए तो समझ लेना बहुत खतरनाक है। इस कोरोना ने बहुत बड़ा पुण्य लेकर आया है, और इतना पुण्य लेकर आया कि सारी दुनिया को मारने की ताकत इसमें है, सारी दुनिया को मारने की ताकत प्रघात प्रकृति से आती है। लेकिन पाप क्या है, पाप ये है कि सारी दुनिया उसे ढूंढ ढूंढ करके मारने का भाव कर रही है, ये है उसकी दुर्गति। अब होना है दुर्गति, अब ये पापी जीव क्यों है, सारी दुनिया को मारने की ताकत है, ये तो अतीत का पुण्यात्मा है,
और वर्तमान का पापी इसलिए है कि सारी दुनिया इसे ढूंढ ढूंढ करके मारने की सोच रही है। वायरस मिले, कोरोना मिले और तुरंत मारो मारो, हर व्यक्ति सोच रहा है। तो जब तुम्हें सारी दुनिया मारने के लिए तैयार हो जाए, सारी दुनिया तुम्हें मिटाने को तैयार हो जाए, समझ लेना ये भविष्य का पापी है। और सारी दुनिया को मारने की ताकत आ जाए तो समझ लेना अतीत का बहुत बड़ा पुण्य करने वाला है महावीर भगवान की। गुरु प्रभु जी।